हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी, वो भी चलनी से। जी हाँ, आज हम चलनी से और सिर्फ 10 रुपए में एक कोल्ड कॉफ़ी बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का ये नेस्ले का कॉफ़ी का पैकेट, और साथ में चाहिए होगी इस तरह की कोई प्लेट। अगर आपके पास प्लेट नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप चलनी को अच्छे से घुमा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप रूम रेंट पे रहते हैं और हॉस्टलर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट रेसिपी होने वाली है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे यहाँ पर कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो कॉफ़ी का पैकेट है इसको ओपन कर लिया है, और आपको मैं सही से मेजरमेंट देने के लिए मैं इसको एक स्पून में डालूंगी, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए मैंने यहाँ पर कितनी कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। तो ये मैंने बड़ी बड़ी चम्मच का इस्तेमाल किया है, तो ये लीजिए, ये पूरे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर आप जो आपकी बड़ी स्पून आती है, अब वो एक मेजरमेंट करके 1 स्पून यहाँ पर पूरा पैकेट आपको यूज़ करना है, वो आप कॉफ़ी का ले सकते हैं। और इसी स्पून से हम 2 चम्मच यहाँ पर शुगर लेंगे। और इसी स्पून से हम यहाँ पर 1 स्पून लेंगे पानी। और ये जो चलनी हम जिसमें चाय छाने का इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने चलनी ली है, और अब हम इससे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते रहेंगे जब तक इस कॉफी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए। तो मुझे यहाँ पर मुश्किल से इसको फेंटने में यहाँ पर लगे थे 5 से 10 मिनट का टाइम लगा था, आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट ही इसमें लगेंगी। तो ये लीजिए, मैं इसको फेंटती जा रही हूँ। और ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी हमारा ये टेक्सचर होता जा रहा है, और कलर भी पूरा प्रॉपर चेंज होता जा रहा है। मैंने थोड़ा सा भी वीडियो को कट नहीं किया है, आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से फेंटना है इसको। तो ये देखिए बिल्कुल हो गया है ना टेक्सचर, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा, और बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पर ये बनके रेडी हुई। और आपको ना इसको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। तो मैंने यहाँ पर इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था, आप इसको ऐसे ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, और आपका जब भी मन हो कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी पीने का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको एयर टाइट डब्बे में पैक करके रखिएगा। तो ये लीजिए, बिल्कुल लग रहा है ना कितना क्रीमी क्रीमी। यहाँ पर हम कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं, तो जिसके लिए मैंने 1 ग्लास लिया है। इसको मैं यहाँ पर चॉकलेट सिरप से अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। और अब हम यहाँ पर ग्लास में डालेंगे थोड़ी सी बर्फ, और हमने ये जो क्रीमी क्रीमी टेक्सचर बनाकर रखा है हम कॉफी का बैटर, इसको हम डाल देंगे ऊपर से। फिर इसमें हम धीरे से ऊपर की ओर ले जाते हुए थोड़ा सा यहाँ पर दूध डालेंगे, जिससे बहुत अच्छे से यहाँ पर झाग बन जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो अब बैटर है इसको और ऊपर से डाल देंगे, ये लीजिए। और अब हम इस पे थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, या तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको इस पे और कुछ डिज़ाइन बनाना है तो आप एक टूथपिक लीजिएगा और धीरे से इसको यहाँ पर ऐसे इस तरीके का फ्लोवर आप बना सकते हैं। ये लीजिए कितनी यम्मी और देखने में कितनी सुंदर लग रही है हमारी कोल्ड कॉफ़ी। तो घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिल